अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिदा परवीन हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड और आलू के बहुत ही टेस्टी से कटलेट। और बहुत ही ये आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उनके लिए बहुत ही इजी होगा इसे बनाना, और वो बस 5 मिनट में ही आसानी से ही वो इसे बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप भी इसे सुबह के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ इसे ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेड और आलू के कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिन्हें मैंने पहले से ही उबाल के छील के रखा है और इसे अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1/2 छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 से 1.5 मैंने हरी मिर्च बारीक काट ली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। धनिया की पत्ती ऐड की है और यहाँ पर मैंने 4 पीस के ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, तो मैं इसमें आधी कटोरी ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। ये लगभग 3-4 से 5 टेबल स्पून है। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है, थोड़ा सा लेमन जूस मैंने इसमें ऐड किया है। फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को अच्छे से मैश करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच इसमें ऑयल ऐड किया है, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका एक डो बना लेंगे। यहाँ पर मैंने इसका डो बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे अपने मनपसंद शेप में बना लेंगे। मैंने यहाँ पर इस तरह के शेप में बना लिया है रोल। आप इसे गोल या टिक्की जिस भी शेप में आप बना सकते हैं। सभी रोल मैंने इस तरह से बना लिए हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स बचा के रखा था, इसे हम इसमें कोट करेंगे। और यहाँ पर इसी तरह से हम सारे कटलेट ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने सभी कटलेट ब्रेड क्रम्स से कोट कर लिए हैं। अब हम इसे 10 मिनट तक के फ्रीजर में रख देंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। और यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे कटलेट को बाहर निकाल लिया है। और इसी के साथ मैंने गैस पे ये कढ़ाई रख दी थी और इसे हाई फ्लेम पे मैंने तेल पहले से ही अच्छे से हीट कर लिया था। इस सभी कटलेट हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने सभी कटलेट कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं। आप अपनी कढ़ाई में जितने भी आपके कटलेट आ सके आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हम इसे 2 मिनट तक के ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। फिर थोड़ा सा हल्का सा हम इसे पलट लेंगे और यहाँ पे हमारे कटलेट का कलर काफ़ी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से इसे चम्मच से पलट पलट करके दोनों सारी साइडों से अच्छे से सेक लेंगे। और यहाँ पे हमारे सारे कटलेट अच्छे से रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसे एक प्लेट में बाहर निकाल ले रही हूँ। सभी कटलेट को मैंने लो टू मीडियम पे सेका है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी कटलेट अच्छे से रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैंने इसे रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और नींबू हरी मिर्च से सर्व किया है। आपको अगर आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही।